हेलो बच्चों, आज हम हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना सीखेंगे कि किस तरह उन्हें स्टेप बाय धोना है और बीमारियों से दूर रहना है। सबसे पहले आप नल को खोलेंगे और अपने हाथों को गीला करेंगे। फिर नल बंद कर देंगे। बच्चों, ये सबसे जरूरी स्टेप है। क्यों? क्योंकि हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। तो नल बंद करने के बाद हम साबुन लेंगे। मैं यहाँ लिक्विड हैंड वॉश ले रही हूँ, आप सोप भी ले सकते हैं, साबुन भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह करेंगे, जैसे फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, फिर झगड़ा। देखो किस तरह दोनों हाथ उंगलियों के बीच से साफ हो रहे हैं, इस तरह झगड़े से झगड़ा। फिर उसके बाद क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, इस तरह उंगलियों के बीच से क्रोकोडाइल। फिर तितली, बटरफ्लाई की तरह। उसके बाद चाबी घुमाना, गोल गोल चाबी घुमाइए। उसके बाद पूरे हाथों को एक बार मल लेंगे और फिर पानी लेंगे और उससे सही से धो लेंगे। पानी से अच्छे से धोने के बाद आप एक टिश्यू पेपर लेंगे साफ सा और उससे बंद कर देंगे नल को। फिर उसके बाद टॉवल लेंगे यानी कि एक तौलिया लेकर अच्छे से हाथों को साफ करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से हाथों को धोना आ गया होगा। साबुन से इसी तरह हाथ अपने धोइए और अपनी वीडियो बनाकर ज़रूर भेजिए। सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से साबुन और पानी से हाथ धोना आ गया होगा। आप भी ऐसे ही वीडियो बनाइए और अपने टीचर को भेजिए। बच्चों, आज की दिनांक है 15/10 यानी कि अक्टूबर 2020। आज क्या है? आज है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। बच्चों, हाथ धोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें रोगों से मुक्त करता है। अगर हमारे हाथ साफ होंगे तो हम भी रोगों से बच सकते हैं, क्योंकि हम हाथ को सीधा अगर मुंह पे लगाएंगे और हमारे हाथ गंदे होंगे, उन्हीं हाथों से हम खाना खाएंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए अपने हाथों को अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। और आजकल COVID-19 की वजह से तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। तो बच्चों, आप अपने काम के ऊपर अपना नाम, अपना सेक्शन और अपने टीचर का नाम ज़रूर लिख लेंगे। तो चलिए हाथों को धोने से जुड़ी हुई एक कविता हाव भाव के साथ पढ़ते हैं। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाए साबुन। ले हाथों को पानी से सींच, 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ, तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम हाथ धोएंगे हम सीख गए अब हम हाथ धोएंगे हम। तो बच्चों, आप भी ये कविता इसी हाव भाव के साथ पढ़िए। उसके बाद प्रश्न 1, दिए गए चित्रों में से हाथों की सफाई से संबंधित चित्र चुनिए और उनकी संख्या अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जो हाथों से की सफाई से जुड़े हुए हैं। हमें उनको चित्र को पहचानना है और इनकी जो संख्या है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये नंबर दिए गए हैं, ये आपको लिख लेना है। सबसे पहले देखते हैं, ये हाथ धो रहे हैं, हाथ धोने का चित्र है साबुन से, तो ये तो हाथों की सफाई से जुड़ा हुआ है, तो हम इसकी क्रम संख्या लिख देंगे 1। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ये 2 में, ये तो ब्रश कर रहा है अपने दांतों को, तो ये हाथों से जुड़ा हुआ नहीं है, दांतों की सफाई से जुड़ा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तीसरे नंबर पे भी हाथों को पानी से साफ किया जा रहा है, तो ये भी हाथों की सफाई से जुड़ा हुआ है, तो हम इसका सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या लिख लेंगे 3। फिर 4 पे ये अपने बालों को सही से कंघे से काट रही है यानी कि उसको कॉम कर रही है, तो ये बालों से जुड़े हुए हैं, ये हाथों की सफाई से नहीं जुड़ा हुआ,
इसी तरह ये पानी से अपने हाथों को धो रहे हैं। तो ये पांचवी क्रम संख्या हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये भी हाथों से जुड़ी हुई है, हाथों की सफाई से जुड़ी है। फिर है पौधों में पानी देना, ये हाथों की सफाई से नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमें तीन मिल गए हैं इन चित्रों में जो हाथों की सफाई से जुड़े हैं। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर दो, आइए कुछ शब्द बनाएं। ह और स से शुरू होने वाले कोई चार शब्द बोलकर लिखिए। अब देखो बच्चों, ह से हाथ पहले से ही लिखा हुआ है, ह से हाथी भी होता है, हाथी। इसी तरह ह से हल भी होता है, हल। आप भी और दो शब्द ह से सोचिए। स से साबुन, स से तो साफ भी होता है, स से सांप भी होता है। इसी तरह आप और भी सब शब्द सोच कर लिखिए। हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है बच्चों। और यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचाने और स्वस्थ रखने का संदेश देता है। COVID-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि COVID-19 के समय अपेक्षित व्यवहार में से एक है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि साफ अब मास्क लगा कर रखें, अपने हाथों को उचित दूरी बनाकर रखें, तो उन्हीं में से एक है कि हाथों को साफ पानी से और साबुन से ज़रूर धोएं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का काम समझ आ गया होगा। आज का काम लिखिए भी जो लिखने के लिए कहा गया है, और साथ ही हाथों को अच्छे से धोते हुए अपनी वीडियो भी बनाकर ज़रूर भेजिए। धन्यवाद बच्चों।